चुके हैं, मौसम बहुत अल्टीमेट हो रहा है, धूप आ रही है उस साइड से, हवा भी बहुत अमेजिंग चल रही है। आज मेरे साथ आ रखा है देव, और ये भी बढ़िया जहर पतंगबाज है, और ये बगल में ही रहता है। अभी गली में मुझे मिल गया था, मैंने कहा चल आजा पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाता हूँ उड़ाते हुए, इसलिए मैं ऐसे बच्चों बच्चों को बुला लेता हूँ उड़ाने के लिए। अब ये कहकर बच्चा मत बोलो, मैं आपका दोस्त हूँ। तो गाइस वहाँ पे पतंगे उड़ गई हैं 3-4, फटाफट करने बांधते हैं और मांझा दिखा दे एक बार फटाफट, आज हम कौन सा उड़ा रहे हैं? बरेली लॉयन। हाँ बरेली लॉयन, इसकी सिर्फ एक रील बची हुई है, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा खत्म करके साइड रखते हैं चरखड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा है, हैंडल करने में दिक्कत होती है। और उसके अलावा हमारी सद्दी जो खराब हुई थी, देख दिखाइयो, सद्दी खराब हुई थी, हमने उसको घर जाके पूरा ढंग से लपेट दिया था। काइट फ्लाइंग थेरेपी कर रहे थे ना, उस वजह से हुई थी। काइट फ्लाइंग थेरेपी जो थी ना, कुछ वो शॉर्ट्स था आपका कोई, हो सकता है, याद नहीं मेरे को, क्योंकि आपने क्या करा पूरे ढील दे दी, इसलिए है ना आपने लपेट नहीं आया, हो सकता है। तो इसके 3-3 सिरे निकल चुके थे लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी। और तुम्हारे भाई ने बाल कटवा लिए हैं, बताओ कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि पुराने बाल कटवा लो, पुराने वाले लुक में आ जाओ। अभी प्रॉपर पुराना लुक आया नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा वो भी। तो गाइस चलो बिना किसी देर के वीडियो करते हैं, एक नई टेक्निक आई है मार्केट में, तेज तेज लपेटते थे और तो गाइस पतंगे देख तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये पतंगे देव लेके आया है यहीं लोकल मार्केट से हमारी, कितने रुपए की है ये? तो गाइस देखो क्वालिटी ठीक ठीक है, बट लेकिन वही है ना, हम लोगों को ऐसी वाली पतंगों की आदत पड़ गई है मैदानी काइट्स की। तो भाई आज होने वाला है देव का मांझा, कहाँ गया देव मांझा लाया है मैदानी फाइनली। ये भी पहले 2-1.5 साल पहले इसने भी चाइनीज उड़ाया, यहाँ सारा चाइनीज ही उड़ता है, लेकिन इसको मैंने लास्ट टाइम बरेली लॉयन दिया था और निंजा से भी इसने उड़ाया। फिर भी मैं भैया जब पिछले साल में लेके आया था मंजा एक रील पूरी बरवा के, फिर यूज नहीं करा, करा ना, चाइनीज नहीं है शरीर में। अच्छा तो गाइस देख सकते हो बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, और जो भी आपके कॉन्टेक्ट में उन लोगों को बोलो चाइनीज ना उड़ाएं। अब इसने मुझे देखा देखी धागे वाला मांझा उड़ाना शुरू किया है, बाकी इस बात पे इसको मैं थोड़ा सा मांझा और दूंगा बरेली लॉयन का, और जो नया मांझा आया है मेरे पास वो भी मैं दूंगा। चलो गाइस फटाफट करते हैं कन्ने बांध के पतंग को पार, सामने दो हमारे अपोनेंट दिख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो बीच में हो रहा, उसको करेंगे आज किला। चुपचाप से ये वाली पतंग निकाल ली, घुटाई वाली, ये देखो। अरे घुटाई तो मैं कर दूँ उस पे, आती है भाई। चलिए ले बांध बांध तिल्ला मोड़ और पतंग पार कर, पहले तेरी उड़ाएं पतंग, उसके बाद अपनी उड़ाते हैं। एक एक पतंग पार कर रहा है, और अरे होगी बिल्कुल, और आज पतंगे उड़ क्या सही है मुझे समझ नहीं आ रहा। 3-4 पतंगे दिख रही है मुझे, 2 तो ये रही ऊपर, एक नीचे वो उड़ रही, काफी पतंगे आज। अब संडे को लोगों ने उड़ाई, आज उड़ा रहे हैं। अरे क्या है ये? उड़ा उड़ा ला चरखड़ी, मैं पकड़ता हूँ, देखना कहीं आप आपका डंबल और इतना भारी है। आज काला चांद, ये वर्धमान की सद्दी है, क्या बात है, नॉलेज हो गई है बच्चों को भी आजकल। चल 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 उड़की उड़की उड़की, बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया, चल खेच खेच। कैसी है पतंग? और जो तू लाया उसको कौन उड़ाएगा? मैं कह रहा हूँ जो तू लाया उसको कौन उड़ाएगा? चलो गाइस आसमान में लेके चलते हैं पतंग को, फिर आपको दिखाते हैं। किसी और ऊपर होगी ना? हाँ तो मैं भी चला जाऊंगा। तू चले ही जाएगा तू तो। अगर मेरे हाथ में कड़ा नहीं होता तो। और ऊपर करूं? और बारे वहां जाना है, अभी पेच करने वहां जाना है। हाँ जाते रह जाते, जाने वाला हूं, जा 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 पेच चढ़ाएंगे। ठीक है, क्या गलती करी, छोटी जरखड़ी में ज्यादा भरवा लिया। ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर, सीधी रख पतंग, चढ़ा आसमान में चढ़ा। हाँ ठीक है, तो गाइस ये देखो उलझने लग गए, यहाँ से निकलने लग गए क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है। चल फटाफट डील दे, पतंग जा चुकी है टॉप, पहला पिक्चर स्टार्ट होने वाला है, पतंग बिल्कुल टॉप पे जा चुकी है। चलो गाइस स्टार्ट कर भाई, पेच कहाँ है ये रही बीच में कैमरे के, चल ले जा। तो गाइस मैं 2x पे ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, मेरे को खुद नहीं दिख रही, अंधा हो गया। ऊपर रख के ढील दे, तो ये पतंग भारी लग रही है, ऊपर रखियो। चल ले रही, क्या कर रही, उठा ऊपर उठा ऊपर उठा ऊपर को उठा, हाँ ऊपर रख इसके। गाइस देखो फ्रेम के बीच में राइट साइड वाली हमारी पतंग है देव की, और लेफ्ट साइड वाली अपोनेंट की है। ढील लेके लेफ्ट घुमा, कहाँ ले गया ये? ऊपर ले जा रहा है देव अपनी, और ये चिड़िया भी आ गई है, खूब सारी चिड़ियों को बचा के। एक और घुमा, उठा ऊपर को, ऊपर
हाँ उठा 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 उठा, हाँ लगा, नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, तू लेफ्ट ले, लेफ्ट कर, हाँ का खींच 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 खींच, बहुत बढ़िया खींच, हाँ छोड़ ढील छोड़, लगाओ पर रख, और राइट को खींच, राइट को खींच, बहुत बढ़िया, चल चल चल, बहुत बढ़िया पिच, नीचे से है तू आराम से, हाँ चल ढील रख, लेफ्ट ले जा, फंसा फंसा, कोई नहीं आएगा आएगा, दो पतंगे हैं वहाँ पे देख गाइस, राइट वाली हमारी है, मिड वाली अपोनेंट से पीछे लड़ रहे हैं, नहीं लगे, ढील दे ढील दे ढील दे, लग चुके हैं, अरे चल दे, नीचे लगा बिल्कुल नीचे काट दे, देखो नीचे आ गया तेरे, चल चल हाँ बहुत बढ़िया, खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे, एकदम झटका, छोड़ 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 छोड़, कट गई, तो गाइस हमारी पतंग कट चुकी है, देवदा वॉरियर ने कटवा दिया है, अब मैं पार करता हूँ और गई पतंग हमारी, तो गाइस देव ने तो अपनी पतंग कटवा दी, अब हम ट्राई कर रहे हैं बरेली लाइन की आखिरी, उड़ ली आपसे पतंग, मांझा फंस गई, हाँ क्योंकि एक रील है ना 12 रील के चरखे में, इसलिए क्या डोले शोले दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे हैं वो, देखो ना भाई अभी देख रहे हैं, घर जाके वीडियो चेक करना, वो सही लग रहा भाई, भैया की पतंग हो रही सामने, भैया वहां जाएंगे अभी, उधर कोशिश करेंगे वहां जाने की, पर अभी यही है, थोड़ा सा ज्यादा पार करूंगा क्योंकि ढील के पीछे हवा तेज चल रही है, इसलिए खींच तो मारूंगा वैसे मैं, बट अगर भाई तक खींच काम नहीं करी तो ढील से घूमने लग गया हमारी पता नहीं, हमारा गिव अवे हो गया हमारे मांझे का, कर दिया हमने किसी को, देख सकते हैं हो रहा गिव अवे कर दिया हमने इसका, कोई नहीं हमारा बहुत बड़ा दिल है, और काटने वाले भैया ये खेचा, ऊपर ले इस साइड था वो, इधर इधर था वो, इधर इधर गलत देख रहा वो, तो एक तो चला भी गया ना, वो नीचे कर ली थी उसने पतंग, उसकी पतंग कहां खींच मारी इस पे, ये मजा आ गया देख के, रिकॉर्ड था ना, हां हां ये देखो खुश हो रहे खींच मार के, ये भैया तेज खींच मारना है, कैसे काटा मैंने, हां तो स्पेस में मैंने क्या किया भैया ने घुमा, मैं दिखाता हूं यहां पे, लो यार 1x पे कर, 1x पे दिखेगी नहीं, लो 1x, हां हमें दिखाओ, मैंने क्या करा, हवा यहाँ की चल रही थी, ये पतंग ऐसे, उसकी पतंग ऐसे, उसके हल्का सा नीचे ले गया, जहाँ उसने ऐसे रखी वहाँ ऐसे भी निकाल, इसे तो कहते हैं पतंगबाज, छूते ही लहर गया, खेचा हो ले, कितने साल में सीखे थे ये इतनी तेज खींचना, साल तो अभी हो गए कई सारे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, भैया एक वहाँ है वो पतंग पर आप जा नहीं पाओगे, हम तो जा रहे हैं अभी देख, हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा कोई जगह बनी है, हाँ क्योंकि वो हवा के अपोजिट है ना, वो ही हवा में है, गाइस मैं गलत था, भैया ले गए उधर, मैं कह रहा था नहीं लेके जाएंगे, भैया ले गए हैं, बस वो आगे पेश चढ़ाने, आप वापस हो रहा है कैसे तक आ रहा है, तो लंगड़ ना मारते बच्चे यहां पे गोते मारते हैं, अरे डंडा होता है इनके पास एक बड़ा, वो मेरी कपड़े वाली पतंग की यही टूटी एक बच्चे ने, डंडे में डंडा होता है वो भाई, वो रही पतंग फ्रेम के बीच में दूसरे की है और अब फ्रेम के बीच में वही है, ऊपर ले जा रहा हूं ताकि ढील ले पाऊं, मंजा है इतना जितना आप ढील ले रहे, अरे मतलब आगे भाई वो बंदा उड़ा उड़ाली, देखो उसने
अभी तक नहीं थी, अब उड़ा ली। तो आपकी सब्जी लटक कैसे रही है नीचे, लटकती नहीं आपकी? हल्की पतंग है, भारी होती तो नहीं? देख पे 2x वगैरह बनाई हो लो। और होने वाले हैं। लग गया बेचे, शायद लग गया। कभी लगेंगे? लग बच गए। अब लगेंगे ना? हाँ लग गए। गई हमारी। अरे भैया ये पतंगबाज। पतंग घूम रही थी। हाँ। और हमारी पतंग छतरी बहुत ज्यादा झोल खा रही थी। वही तो। उसकी वजह से मेरे को रिएक्शन टाइम नहीं मिला कीचड़ ढील मारने का, तो जैसे ही पतंग ने उसके ऊपर चक्का घुमाया और उसकी पतंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमारी कट गई। सीखा इस बेस से कुछ? नहीं। तो बस बैटरी 4% बची है और बैक टू बैक 4 शूट कर लिए और फोन चार्ज करना मैं भूल ही गया। बाकी एक पेज और है, अगर बैटरी रही तो दिखा दूंगा, अदरवाइज यही है इस वीडियो की एंडिंग। तो बाय, साइनिंग आउट रियो द एक्सप्लोरर। ऐसे कर रहे हैं। हेलो लो, चलो गाइस बाय। बो खींच में काट दी एक बार, बहुत बेहतरीन भेजा, ऊपर से रखने की कोशिश कर रहा था, इतने में चबक के खींच मार दी। ये हमारी पतंग फट चुकी है, तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ टेप लगाया करो, ये तो जल्दीबाजी में पतंग पेच लगाने के चक्कर में मैंने टेप लगाया दिया ना, इसको उड़ा दिया और पतंग फट गई हमारी, क्योंकि बैटरी भी कम थी इसलिए जल्दी जल्दी करा। सारा मांजा भी खराब होकर जाएगा, तो अगर वापस इसको उतारेंगे तो उतरने से रही, और ऐसे अगर हम खींचेंगे घरों से लगता है मांजा खराब है। गिव अवे करना है इसका? करो, हो गए वो जारी। किसी को मांझा तो मिलेगा, वो भी कति चमक जाएगा मंजा लेके।